कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे वह भी पूरे नहीं हो पाए। भाजपा को नए वादे करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात शिमला में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव या युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावर ने कही। कृष्णा अलावरू ने कहा कि भाजपा को चुनौती है कि 5 साल जब डबल इंजन की सरकार रही तो वोट घोषणा पत्र पर नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पर मांगे। बीजेपी नेताओं ने 2017 में लाखों नौकरियां देने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने पर साफ हो गया है कि सरकारी नौकरियां देने में फेल है। आज विभिन्न विभागों में 63,000 पद खाली है। यह सरकार भर्ती में फेल, पेपर लीक में पास है। प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा, नशे रोकने में सरकार फेल है। रिपोर्ट कार्ड में फेल होने पर बीजेपी को नई घोषणा कराने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के नेता चुनाव में घोषणाओं को पूरा न होने पर चुनावी जुमले बताती है। बीजेपी के घोषणा पत्र का साइज भी उनके विश्वास की तरह छोटा हो गया है। हम हिमाचल के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, हिमाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हिमाचल के युवाओं की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने 5 साल में जो कहा था और जो किया है वो बताओ और हमसे वोट मांगो। हिमाचल का युवा बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी, इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजन सरकार फेल है। 14 लाख युवाओं को बेरोजगार बनाने में पास है। तो जब यह सरकार जनता के बीच, युवाओं के बीच वोट मांगने जाती है तो आंख में आंख डालकर बताए कि 5 साल में 63,000 सरकारी पद खाली रखने में पास है यह सरकार। वोट मांगते वक्त ये बात बताए जनता को कि अग्निपथ योजना पास किया हमने, वोट दीजिए। वोट मांगते वक्त ये बताएं कि पुलिस की भर्ती करने में हम फेल हैं, पेपर लीक करने में हम पास हैं। बोले, वोट मांगे। आज भी दिल्ली के नेता, हिमाचल के नेता आके बोलते हैं कि नशा को हम रोक देंगे आने वाले 5 साल में। पहले यह बताएं कि पिछले 5 साल में नशा रोकने में हम फेल हैं, नशा फैलाने में हम पास हैं, फिर वोट मांगे। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और अध्यापक देने में फेल हैं, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में फीस बढ़ाने में पास हैं। ये बात युवाओं को पहले बताइए, फिर युवाओं से बोलिए कि आप हमें वोट दें।